स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार असवाल सीनियर लेक्चरर सिविल डिपार्टमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज मैं आपको बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर करवाऊंगा। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा आपको। तो देखो, बेंडिंग स्ट्रेस को पहले अपन समझते हैं कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वो हमने समझ लिया। शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, शेयर फोर्स कैसे डेवलप होता है, बेंडिंग मोमेंट कैसे डेवलप होता है। उसकी नेक्स्ट स्टेप है ये कि जब किसी बीम पर एक्सटर्नल लोड आता है और मोमेंट आता है, एक्सटर्नल लोड और मोमेंट किसी बीम पे जब आएगा तो उस बीम के डिफरेंट सेक्शंस पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप हो जाएगा। अलग अलग सेक्शंस पे वैल्यू इसकी अलग अलग हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में अपन ने कैलकुलेट किया कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर फोर्स कैसे। ऐसे अलग अलग सेक्शंस पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप हो जाता है। कब? जब एक्सटर्नल लोड और मोमेंट किसी बीम पर आता है। जब बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप होगा बीम के ऊपर, तो बीम का सेक्शन जहाँ पे अलग अलग सेक्शन में जो वैल्यूज आ रही हैं अलग अलग, तो ये सेक्शन इस बीम का ये सेक्शन इस बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। ये जब रोकेगा तो ये प्रोसेस चलेगा, डेवलप हो रहा है, उधर ये रोकने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोसेस में बीम की डिफॉर्मेशन होगी, बीम डिफॉर्म होगी। जब बीम डिफॉर्म होगी तो डिफॉर्मेशन कब तक चलेगा? डिफॉर्मेशन चलेगा जब तक कि ये जो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डेवलप हुआ है, ये बीम के रेजिस्टेंस, जो सेक्शंस पे बीम रेजिस्ट कर रही है, इसके इक्वल हो जाएगा। व्हेन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल बिकम्स इक्वल इन दैट केस डिफॉर्मेशन विल स्टॉप। एग्जैक्टली सेंट इट, रुकेगा तभी जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जैसे ही बराबर हुआ, डिफॉर्मेशन रुक गया। डिफॉर्मेशन रुक गया तो अब क्या हुआ कि जो ये बेंडिंग मोमेंट का जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, रेजिस्टेंस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट क्रिएट्स डेवलप्स स्ट्रेस कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस, और जो रेजिस्टेंस शेयर फोर्स के अगेंस्ट में लग रहा है वो सेक्शन पे शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बीम में, डिफॉर्मेशन हो रहा है बीम का, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इस बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। शेयरिंग स्ट्रेस भी है, वो भी डेवलप हो रहा है। शेयरिंग स्ट्रेस हम नेक्स्ट चैप्टर है, उसको अपन आगे स्टडी करेंगे। आज अपने को करना है बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखो, एक पहले सिंपल मैं बीम बनाता हूँ कि बीम कैसे है। ये एक बीम है जिसपे एक्सटर्नल लोड और मोमेंट आ रहा है। हमने दो सेक्शन लिए, एम एम वन एन एन वन। कितनी डिस्टेंस पे लिए ये? डिस्टेंस इनकी
ये हमने माना कि ये छोटा सा डिस्टेंस लिया है हमने डेल्टा एक्स अपार्ट फ्रॉम डेल्टा एक्स। ये बीम हो गई। अब जब इस पे लोड आएगा, एक्सटर्नल लोड आएगा, मोमेंट आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डेवलप होगा, तो ये डिफॉर्म होगी, ये बेंड होगी। अब देखो बेंड कैसे होगी, इस तरीके से ये बीम बेंड हो जाएगी। अब जो हमने अभी तक स्टडी किया कि भाई ये जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसका एनालिटिकल फॉर्मूला अब हमें डेवलप करना है कि ये इस तरीके से बेंड हो गई, ये ऐसे थी, स्ट्रेट थी, ये ऐसे बेंड हो गई, तो अब बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वो अपने को कैलकुलेट करना है। वो मैं आपको बताता हूँ।